सत श्री अकाल जी, कैसे हो सब लोग। आज करेंगे फिलीपीन के स्कैमर की, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे सब आपकी मारने पे तुले हैं। कैसे मारते हैं, मैं अभी किसी से मिलने वाला हूँ जिनको मैं काउ सर्फिंग की एप्लीकेशन से मिला था। आपको बताता हूँ ये लोग कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करके लूटते हैं, क्योंकि हम इंडियन ना बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं। हमें कोई अपना दुख बताता है तो हम अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा देते हैं। तो यहाँ आके वैसी गलती ना करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान करके आपको बताना है, क्योंकि कचरे के बताने के कचरा दिखाने के लिए आपको कचरे में उतरना पड़ता है। चाहे आप मेरे बारे में रॉन्ग जजमेंट क्यों ना दो, बट मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा जरूर। बेसिकली ये जो SM मॉल है ना, ये यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, ये कह सकते हो। काफ़ी ब्रांड इसमें हैं अच्छे वाले। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को ये मेरी फ्रेंड लेके आई है यहाँ पे घुमाने के लिए। इसका मेरे को रात को मैसेज आया था कॉल सर्फिंग पे, तो अभी आके इन्होंने नौटंकी चालू कर दी कि आई हैव टू गो, कि मेरे को मेरा बच्चा भूखा है। मगर वो इस तरीके से इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेंगे। कोई बोलेगा मेरा लैप, जैसे कल एक लड़का मिला था उसकी स्टोरी मैं बताऊँगा, कि आपको इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि आप 1,000, 2,000, 3,000 अगर इन लोगों ने मांगे, सपोज करो 20 हो, तो बहुत कम्फर्टेबली आप इन सबको दे दोगे। ड्रामे क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग का जो ड्रामा आता है कि यार मेरा बच्चा भूखा है, मेरी जॉब चली गई, आई डोंट हैव मनी टू बाय द ग्रोसरी, ये सब तरीके करके आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपको मिलते कहाँ हैं, पहले आपको एक बार मॉल दिखा दूँ ये वाला, फिर आपको लेके चलता हूँ ये लोग कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे ये लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें बताता हूँ। आर्टिका यहाँ भी आती है जी, बहुत अच्छी चलती है ये गाड़ी। ये मार्केट है जी, नीचे इनकी बनी हुई बड़े प्यारे प्यारे ये चीज़ें बनी हुई हैं सिफी सितारों की, बड़ी खूबसूरत है। ये मॉल के नीचे इन्होंने लोकल मार्केट बनाई हुई है, ये देखिए यहाँ पर स्विमियर की चेन सब कुछ भी खरीद सकते हो। स्विनियर लेना यार फिलीपींस का, रुको मैं देखूँ। भाई साहब जो स्विनियर देख रहा था ना, जो 70-75 रुपये का पैसों का बाज़ार में मिल जाता है, वो यहाँ पे स्विनियर मिला है जी 150 पैसों का, डबल ट्रिपल। एक और है वहाँ पे चलते हैं मार्केट है, इसमें देखते हैं इसमें कोई स्विनियर मिल जाता तो। ये इसमें भी स्विनियर होगा ना कोई। कल एक मुद्दे पे बात कर रहे थे ना, कल वो रह गई थी बात, उसको आज कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पे ना आप जेंडर की बात मत लेना कि मेल या फीमेल की, यहाँ पे दोनों लोग ही स्कैम करते हैं और आपको इस स्कैम से बहुत ध्यान से बचना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग ही बेईमान हैं, सारे लोग ही गलत हैं। पहला स्कैम होता है आपको काउ सर्फिंग, जैसे आपको पता ही एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर होस्ट के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें होस्ट मिल जाए। यहाँ पे होस्ट कम मिलते हैं आपको फिलीपींस में। यहाँ पे काउ सर्फिंग में एक दूसरा भी बेसिकली ऑप्शन होता है, आप लोकल लोगों से मिलके हैंग आउट कर सकते हो। जैसे वहाँ पे लिखा होता है गो टू एक्सप्लोर एरिया, मैं आपको ऐप खोल के दिखा देता हूँ, ड्रिंक द बियर या मीट फॉर कॉफ़ी, ऐसे करके भी होता है। वहाँ पे भी लोग आपको हैंग आउट के लिए बुलाएंगे, पहले तो आपके साथ बातें करेंगे, फिर आपको बुलाने के टाइम पे बोलेंगे मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ, फिर वहाँ मिलके कोशिश होगी उनकी, वो आपसे अच्छे खासे पैसे स्पेंड करवा दें भी कॉफ़ी स्टारबक्स में मिलके या खाने के ऊपर। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी फिलीपींस लोगों में प्रॉब्लम है कि वो अपना सीढ़ी से अपा पंजाबी में कह लो रिंडी रोना लेके बैठ जाएंगे, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। हम इमोशनली आके उनको वो मांगेंगे बहुत जेन्युइन से, मैं 4,000-5,000 रुपये इंडियन रुपीज़ मांगते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं मांगेंगे, 2,000 पीस हो, 3,000 पैसे हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, वो लड़का जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, वो लड़का आपको मैं एक बार फिर भी वीडियो दिखाता हूँ, वो मेरे को मिला, मेरे को मतलब कम से कम उस आदमी के 100 मैसेज आए, जब से मैं फिलीपीन आया हूँ तब से आ रहे हैं मनीला से। अब कल मिला, कल मिलते ड्रामा शुरू हो गया। मेरी एक आदत है आदमी को एक सेकंड में पहचानने में, मैं देर नहीं लगाता हूँ। मैं लंच कर रहा था, मैंने पूछा भैया तो क्या खाओगे, अब मैंने वहाँ पे चाइनीज़ लंच लिया था जो 140 रुपये का मील था,
140 पीसों का अप्रोक्सीमेट 225 का। वो कहता मैंने बोला यहीं खा ले, कह रहे नहीं मैं बर्गर किंग खाऊंगा। मैं बर्गर किंग पे ले गया तो उसने वहाँ पे सबसे महंगी मील ली। तो आदमी की पहचान वहीं से होगी, आदमी को पेट भरना होता है। वहाँ पे बर्गर मील 160 पीसों की भी थी, उसने भाई साहब ने 290 रुपये वाली ली। चलो फिर उसके बाद उसने कोई मेरे को सीबू के बारे में गाइडनेस नहीं दी, मेरे को सीबू का कुछ नहीं बताया कि सीबू में क्या देखने लायक है, सीबू में क्या नहीं है। बस सिर्फ तो सिर्फ अपना सीढ़ी से आपा लेके बैठ गया कि मेरा लैपटॉप खराब है, मेरी स्टडी रुकी पड़ी है, कि मेरे को लैपटॉप रिपेयर कराना है, 10,000 पीसों लगेंगे, ये देखो मेरे को एक अंग्रेज ने 5,000 दे दिए, सिर्फ 5,000 मेरे पास शॉर्ट है। तो उसने मेरे 5-7-10 मिनट खराब करने के बाद मैंने उसको बोला आई हैव टू गो, मेरे को जाना है कि हम कल मिलेंगे। तो फिर रात को उसका मेरे को मैसेज आया क्योंकि मैं सीबू में ना मैड मंकी पार्टी हॉस्टल है उसमें रुका हुआ था, तो उसमें एवरी नाइट पार्टी होती है। तो दो दिन रुका था, अभी तो मैं होटल में आ गया हूँ क्योंकि मैं थक गया था। अब इतना पार्टी हॉस्टल में रुक के क्योंकि बहुत लाउड साउंड था, पूरी रात आप सो नहीं पाते सुबह 4-5 बजे तक। कहता मैं आ जाऊँ, कैन गेट वी कैन बियर टुगेदर। फिर मैंने उसको मैसेज पे लिखा आई डोंट ड्रिंक एंड आई डोंट लाइक गो टू द पार्टीज। ये मुद्दा खत्म हो गया। दूसरा क्या होता है, फेसबुक पे बहुत फिलीपींस के ग्रुप बने हुए हैं इफ़ यू आर लुकिंग द फ्रेंडशिप, यहाँ पे डेटिंग के भी सिंगल, यहाँ पे क्या है ना 90% कह सकता हूँ कि सिंगल मदर हैं, तो वो लिखेंगे सिंगल मदर लुकिंग फॉर फन फॉर टाइम, वो वहाँ पे भी आपको लोग मैसेज करेंगे और आपको हज़ारों मैसेज आएंगे, एक हाथ 100-200 नहीं। मनीला में जैसे पहले मेरे को एक लड़की मिली, मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे पहले मैंने दिखाई थी, वो मेरे से 3,000 पीसों लेके गई सिर्फ कि मैं आपको मनीला घुमा दूंगी बट मेरा टैक्सी का आने जाने का भाड़ा दे दो। और 3,000 पीसों का मतलब बनते हैं अप्रॉक्सीमेट 4,500 रुपये। मैंने वो जानबूझ के दिए क्योंकि जब तक मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करूंगा ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो आप इन चीज़ों को कभी कोई भी दोस्त या मेल या फीमेल मिलने के लिए आ रहा है ना उससे एवरीथिंग क्लियर करना कि आप उसके साथ कोई पैसा स्पेंड नहीं करोगे। हम जो भी खाएंगे वो आधा आधा होगा। अगर कोई लड़की आ रही है तो उसको क्लियर करना है, वो पहले पूछ लेना यू वांट एनी मनी बहुत क्लियरली से, अदरवाइज वो यहाँ आके आपसे मांगेगी 2,000, 3,000, 4,000। आप बोलोगे मैंने बुलाया है इमोशनली, आके आप दे दोगे जिसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तीसरी यहाँ पे स्कैम चलता है टिंडर डेटिंग के नाम पे। टिंडर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये मेरे को जब मैड मंकी में रुका था मेरे दो यूरोपियन फ्रेंड बने थे, उन्होंने मेरे को बताया था उनसे मतलब के अप्रॉक्सीमेट इंडियन करेंसी के मुताबिक 60-70 हज़ार रुपये लड़की हैं एंट चुकी हैं। वो आती फ्री डेटिंग के लिए है, हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, वही नीड द कंपनी, बट आने जाने का टैक्सी का मांग लेंगे 5-6 हज़ार रुपया और जब आपके साथ रहेंगी तो बहुत अच्छे खासे पैसे स्पेंड कर देंगी। तो ये मेरा आज लास्ट डे है फिलीपीन में, तो इसलिए मैंने ये स्कैम्स के बारे में आपको बताना ठीक समझा। और बाकी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर ही दी थी, कहाँ रुकना है, कैसे खाना है, क्या शेयर करना है, होटल्स जहाँ पर सस्ते हैं, हॉस्टल जहाँ पे सस्ते हैं, खाना बहुत ही सस्ता है, 150-200 में आपको मील मिल जाएगी। आई होप ये सब इंफॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में बताई आप लोगों के साथ बहुत काम आएगी और आप इन सब स्कैम से बच सकोगे। चलिए जी, फिलीपींस सीरीज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। वाहेगुरु आप सबको खुश रखें।